परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया ने जो श्री मुख वाक साहिब जिया की बख्शिश की है उस हुक्मनामा साहिब जिया दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया के चरणों में हाजरी लवाते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए कोई भी रसना वांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जिया ने अपार रहमत की है अपार बख्शिश की है जो कि सानू कलयुग के भयानक समय अंदर सतगुरु जिया ने सतसंग दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुख वाक साहिब जिया की बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जिया दे असी अखरी अर्थ अपलोड करते हाँ अते नाल ही होर गुरबाणी की कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हाँ। सो आओ अज सतगुरु जी साढ़े ते की रहमत कर रहे ने की बख्शिश कर रहे ने आओ सरवण करिए। सोरठ महला पंजवा घर तीजा चौप दे अज दा मुख वाक शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिया ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है जो कि राग सोरठ घर तीजे विच सतगुरु जिया की चार बंदा वाली बाणी है। चौप दे तो भाव है चार बंदा वाला शब्द ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया विच 621 अंग ते सुभाए मान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक ओंकार तो भाव है परमात्मा वाहिगुरु जी एक है। सतगुर प्रसाद पूरे सतगुरु जी की रहमत दे नाल पूरे सतगुरु जी की कृपा दे नाल परमात्मा वाहिगुरु जी की प्राप्ति होंदी है। इंसान वाहिगुरु जी दे नाल मिल सकता है। मिल पंचो हो नहीं सहसा चुकाया सिक दारो हो नह पति आया। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया मिल तो भाव है मिल के पंचो तो भाव है नगर दे पंचानू नगर दे पंच मोहतवार बंदे उन्होंने पंच किया जाता। महाराज कहते भाई नगर दे पंचा नू मिल के काम आदक वैरियां तो पै रहा साइम दूर नहीं कीता जा सकता। इंसान नू हर रोज पंज वैरी लुट रहे है पंज चोर इनू दिनों दिन लुट रहे है। केड़े पंज चोर है पंज चोर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इंसान बारली माया इकट्ठी कीती नू सांभ लैंदा
जिंदियां विच रखदा है भी कोई लुट ना ले, कोई चोर मेरी चीज चुरा के ना ले जाए। पर मना मेरिया आ तेरे अंदर नू हर रोज चोर लुट रहे है। इस देही में पंच चोर वस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। महाराज कहंदे तेरी देही विच पंच चोर वस रहे है, ये तेनू लुट रहे है, पर इन्हां पंजां चोरां दा सायम दूर नहीं हो सकदा। जे तू अपने पिंड दे नगर दे पंचां नू ये गल दसे भी मैनू पंज चोर हर रोज लुट रहे है, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर सायम है, मेरा सायम खत्म कर दो, डर दूर कर दो, उन्हां दे हाथ खड़े हो जाणगे। अगे सतगुरु जी कहंदे सिक दारो नह पति आया। सिकदारों तो भाव है पहले समयां विच कबीलियां दा सरदार हुंदा सी, मेन मुखी एक हुंदा सी जिहनूं सरदार किया जांदा सी। सतगुरु जी कहंदे सरदारां तो भी तसल्ली नहीं मिल सकदी कि इह वैरी तंग सानूं नहीं करनगे, उह भी सानूं इन्हां पंजां वैरियां तो खेड़ा नहीं छुड़ा सकदे। उमराव हो आगे चेरा, मिल राजन राम नवेरा। उमराव हो आगे चेरा, उमराव हो तो भाव है सरकारी हाकम। सतगुरु जी कहंदे सरकारी हाकमा अगे पीजे ए झगड़ा चलिया जाए, जे उना पास भी असी लेके जाइए बे साडे मन अंदर वैरी सानू लुट रहे है, साडे नाल लड़ रहे है, ता धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे उना अगे पेश कीतियां भी कुछ नहीं बनेगा, वह भी ये झगड़े का नबेड़ा नहीं कर सकनगे, सानू पंजां वैरियां तो छुड़ा नहीं सकनगे। फिर सतगुरु जी कहंदे छुटिया किवें जाएगा, देखो नगर दे पंच वह भी तेनू छड़ा नहीं सकते, कबीले का सरदार भी तेनू ये तसली नहीं दे सकता भी पंज वैरी तेनू अगे तो तंग नहीं करनगे। सतगुरु जी कहंदे फिर सरकारी हाकमा कोल भी जांदा पर वह भी तेनू ये तसली नहीं दे सकते बे तेरा अगे वास्ते इन्हां नाल झगड़ा नहीं होएगा। उन्हां अगे पेश कीतियां भी सतगुरु जी कहंदे कुछ नहीं बनेगा। फिर जिहड़े अंदरले पंज चोर है इन्हां तों छुटकारा किवें होए, इन्हां वैरियां तों बचिया किवें जाए। महाराज कहंदे मिल राजन राम नवेरा, जदों तू परमात्मा वाहिगुरु जी दे कोल अपना ये फैसला लेके जाएगा, सतगुरु जी अगे पेश करेगा, परमात्मा वाहिगुरु जी नाल मिलेगा, फिर गुरमुखा याद रखी जेडे तेरे अंदर काम आदिक वैरी हन इन्हां दा डर मुक जाएगा। परमात्मा वाहिगुरु जी नबेड़ा कर देंगे, फैसला कर देंगे। एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही है जो ये पंजा चोरां तो सानू बचा सकता है, ये पंजा वैरियां तो साडा छुटकारा करा सकते हैं। मिल राजन राम नवेरा, परमात्मा पातशाह मिल के फैसला हो जाता है। वाहिगुरु नू जदों इंसान मिलता है उदों ये फैसला हो जाता भी जिहड़ा साडे अंदर काम आदिक वैरियां का डर है ये मुक जाएगा। अब ढूंढन कतहु न जाई, गोविंद भेटे गुर गोसाई रहाओ। अब ढूंढन कतहु न जाई, हुण काम आदिक वैरियां तो पै रहे सहम तो बचण लई महाराज कहंदे किसे होर थां आसरा भालण दी लोड़ नहीं रह जांदी। जदों इंसान परमात्मा नूं मिल जांदा फिर होर किसे थां नहीं जाण दी लोड़, फिर परमात्मा इहदा झगड़ा नबेड़ दिंदा। गोविंद भेटे गुर गोसाई, जदों गोविंद नूं भाव परमात्मा नूं गुरु नूं सृष्टि दे खसम नूं ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
वड्डी धिर हुंदी है ना जिहदे वल पता होवे बई इलाके दा SSP है DC है इहदी उठनी बैठनी मुख्यमंत्री दे नाल है गुरमुखो छोटा बंदा उहनूं तंग नहीं करदा ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ पर जदों गुरमुखो साड़ी यारी वड्डे दे नाल पै गई साड़ी मित्रता उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल पै गई जिहदे तों वड्डा इह संसार विच पूरी सृष्टि विच कोई नहीं है तां सानू इह छोटियां चीज़ां काम क्रोध लोभ मोह हंकार सानू सतानगियां नहीं गोबिंद भेटे गुर गोसाई जदों परमात्मा नूं याद कीता वाहिगुरु जी दे नाल मिल गए परमात्मा दा सिमरन कीता अपनी जिंदगी अंदर गुरु नूं धारण कीता महाराज कहिंदे फिर तेरे मन नूं शांति आ जाएगी तेरे मन विच्चों सारा ही डर खत्म हो जाएगा आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा आया प्रभ दरबारा धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे जदों मनुख परमात्मा दी हजूरी विच पहुंचदा है परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाल चित जोड़दा है वाहिगुरु जी नूं याद करदा है ता सगली मिटी पुकारा तदों इस दी काम आदक वैरियां दे विरुद्ध सारी शिकायत मुक जांदी है इहदे अंदर सारी पुकार मिट जांदी है जदों वाहिगुरु जी नूं इह याद करदा है लभद अपनी पाई ता कत आवै कत जाई लभद अपनी पाई लभद तों भाव है जिस चीज दे प्राप्त करन दी लोड़ सी जिस चीज दी मन विच इच्छा सी बे ए मेरी चीज पूरी हो जाए मेरे मन दी आसा पूरी हो जाए सतगुरु जी कहिंदे मनुख ओ वस्तु हासिल कर लैंदा है ता कत आवे कत जाई सो सदा इस दी अपनी बनी रहिंदी है तदों विकारां दे ढहे चढ़ के भटकनों बच जांदा है तह साच न आए नबेरा ऊहा साम ठाकुर साम चेरा तह साच न आए नबेरा साच न्याय तो भाव है सदा कायम रहण वाले न्याय अनुसार धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हे भाई परमात्मा दी हजूरी विच सदा कायम रहण वाले न्याय अनुसार फैसला हो जांदा है ऊहा सम ठाकुर सम चेरा उस दी दरगाह विच मालक ते नौकर इको जिहा समझिया जांदा है किस नूं किसे नूं वड्डा जां किसे नूं छोटा नहीं परमात्मा दी नज़र विच मालक भी ओहो जिहा है ते नौकर भी ओहो जिहा अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने अंतर जामी जाने हरेक दे दिलां दियां जानन वाला परमात्मा वाहिगुरु जी अंतर जामी है अंतर जामी तो भाव है हर एक दे दिल दी जानन वाला कौन है ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जी बिन बोलत आप पछाने सतगुरु जी कहंदे ओ बिना बोलिया ही इंसान दे दिल दी पीड़ा नूं समझ लैंदा है कट कट के अंतर की जानत भरे बोले की पीर पछानत परमात्मा हर एक दे कट दी जानदा है हर एक दे मन दी गल नूं बुझण वाला है सर्ब थान को राजा दह अनहद शब्द अगाजा सर्व थान को राजा परमात्मा सारे थावां दा मालक है
धरती विच कोई भी एहो जी जगह नहीं जिहड़ी जगह ते परमात्मा वाहिगुरु जी का नहीं वासा। जिन्नी सृष्टि देखदे हो यह सारी सृष्टि का मालक परमात्मा वाहिगुरु जी आप है। तह अनहद शब्द अगाजा। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे उस परमात्मा नाल मिल के उदे मिलाप अवस्था विच मनुख दे अंदर परमात्मा दी सिफत सलाह दी बाणी एक रस पूरा प्रभाव पा लैंदी है। अगाजा तो भाव है प्रभाव पा लैंदी है। जदों इंसान वाहिगुरु जी दे नाल मिल जांदा उदे रोम रोम विचों परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम दी आवाज आउंदी है। तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई। तिस पह क्या चतुराई उसनु मिलन वास्ते उस नाल कोई चलाकी नहीं कीती जा सकती। महाराज कहंदे मेरिया मना जे तू ए समझे बे मैं अपनी चलाकी दे नाल परमात्मा नु मिल जावांगा ता चलाकिया दे नाल परमात्मा नहीं मिलदा। ए मन चंचला चुतराई किने ना पाया। चुतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे। ए मेरिया मना तू सुन चुतराई दे नाल अपनी सियाणप दे नाल किसे ने भी अज तक वाहिगुरु जी की प्राप्ति नहीं कीती। वाहिगुरु जी दे नाल मिले नहीं फिर किवें मिलिया जांदा। मिल नानक आप गवाई। जदों इंसान अपने अंदरों आपा भाव दूर कर लैंदा है अपना हंकार छड़ दिंदा है सच्चे दिलों वाहिगुरु जी दे रस्ते ते चलदा फिर महाराज कहिंदे परमात्मा दी इहनूं प्राप्ति हो जांदी है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल मिल सकदा है। सो गुरमुखो ये सन जो अज सतगुरु जियां ने श्री मुख वाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ जो आपां सरवण कीते हन बाणी दी विचार करदे समय एक नहीं बेअंत भुल्लां हो गईआं। अणजाण बच्चे समझ के माफ करियो। उपदेश सतगुरु जी दा जान के अपने हिरदयां दे अंदर वसा लियो। भुल्लां साडी झोली विच पा दियो। सतगुरु जी इस शब्द अंदर सानू यही समझा रहे ने मना यह पंजां वैरियां तो तेरा खेड़ा नहीं छुट सकता। यह पंज वैरी तैनू तंग करन ही करनगे पर जे तू परमात्मा दा पल्ला फड़ ले जे पूरे सतगुरु जी दा बन जाए तां इह पंजां वैरियां तो तेरा खेड़ा छुट सकदा है। तेरे अंदर दा डर खत्म हो सकदा है। तैनू फिर इह सताणगे नहीं तैनू लुटणगे नहीं फिर तू अंदरों खिड़ जाएगा अंदरों खुश हो जाएगा जदों परमात्मा वाहिगुरु जी दा पल्ला फड़ लेगा सदीवी आनंद तैनू मिल जाएगा। सो खैर गुरु वाले बणिए नाम जपिए अमृत छको जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।